प्रो पीपल पॉलिसीज की ताकत से आज देश और देश का गरीब, देश की माताएं बहनें, उनका सशक्तिकरण हो रहा है। सामान्य मानवी के लिए आज कानूनों को सरल बनाया जा रहा है। टाइमली जस्टिस के लिए हमारी जुडिशरी भी लगातार कई सार्थक कदम उठा रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू किए गए ई इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने का अवसर मुझे मिला है। मैं इस शुरुआत के लिए और ईज ऑफ जस्टिस के प्रयासों के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। इस बार 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कर्तव्यों की बात पर बल दिया था। ये हमारे संविधान की ही भावना का प्रकटीकरण है। महात्मा गांधी कहते थे कि हमारे अधिकार, हमारे वो कर्तव्य हैं जिन्हें हम सच्ची इंटीग्रिटी और डेडिकेशन के साथ पूरा करते हैं। आज अमृतकाल में जब हम आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करके अगले 25 वर्षों की यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो संविधान का यह मंत्र देश के लिए एक संकल्प बन रहा है। आजादी का यह अमृतकाल देश के लिए कर्तव्य काल है। चाहे व्यक्ति हो या संस्थाएं, हमारे दायित्व ही आज हमारी पहली प्राथमिकता है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही हम देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आज भारत के सामने नित नए अवसर बन रहे हैं। भारत हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक सप्ताह के बाद भारत को G20 की प्रेसिडेंसी भी मिलने वाली है। यह बहुत बड़ा अवसर है। हम सभी टीम इंडिया के रूप में विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाएं, भारत का योगदान विश्व के सामने लेकर जाएं, ये भी हम सभी का सामूहिक दायित्व है। भारत की मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर जो पहचान है, हमें उसे और सशक्त करना है। साथियों, हमारे संविधान की एक और विशेषता है, जो आज के युवा भारत में और भी प्रासंगिक हो गई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो ओपन है, फ्यूचरिस्टिक है और अपने आधुनिक विजन के लिए जाना जाता है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर हमारे संविधान की स्पिरिट यूथ सेंट्रिक है। आज स्पोर्ट्स हो या स्टार्टअप्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल पेमेंट्स, भारत के विकास के हर आयाम में युवा शक्ति अपना परचम लहरा रही है। हमारे संविधान और संस्थाओं के भविष्य की जिम्मेदारी भी हमारे इन युवाओं के कंधों पर ही है। इसलिए आज संविधान दिवस पर मैं सरकार की व्यवस्थाओं से, देश की न्यायपालिका से एक आग्रह भी करूंगा। आज के युवाओं में संविधान को लेकर समझ और बढ़े, इसके लिए ये जरूरी है
वो संवैधानिक विषयों पर डिबेट्स और डिस्कशंस का हिस्सा बने। जब हमारा संविधान बना तब देश के सामने क्या परिस्थितियां थी, संविधान सभा की बहसों में उस समय क्या हुआ था, हमारे युवाओं को इन सब विषयों की जानकारी होनी चाहिए। इससे उनकी संविधान को लेकर दिलचस्पी और बढ़ेगी। इससे युवाओं में इक्वालिटी और एम्पावरमेंट जैसे विषयों को समझने का विजन पैदा होगा। उदाहरण के तौर पर हमारी संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी और उनमें एक दक्षायानी वेलियाउधन वो महिला थी जो एक प्रकार से वंचित समाज से निकल करके वहां तक पहुंची थी। उन्होंने दलितों मजदूरों से जुड़े कई विषयों पर महत्वपूर्ण इंटरवेंशंस किए। दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, ऐसे ही और कई महिला सदस्यों ने भी महिलाओं से जुड़े विषयों पर अहम योगदान दिया था। इनके योगदान की चर्चा कम ही हो पाती है। जब हमारे युवा इन्हें जानेंगे तो उन्हें अपने सवालों का जवाब भी मिलेगा। इससे संविधान के प्रति जो निष्ठा पैदा होगी वो हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को और देश के भविष्य को मजबूत करेगी। आजादी के अमृतकाल में ये भी देश की एक अहम जरूरत है। मुझे आशा है संविधान दिवस इस दिशा में हमारे संकल्पों को और अधिक ऊर्जा देगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।